10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट के लिए वीडियो को शांति से बैठ के देखो। इंग्लिश के लिए एक ऐसा रोड मैप दूंगा, भले आप इंग्लिश में कितने भी वीक हो, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे 85+ 90+ इजीली स्कोर कर लोगे। सो हाय एवरीवन, कैसा आप सभी लोग, कुछ और सॉन्ग भैया। एंड आज का ये वीडियो इंग्लिश का सब्जेक्ट भी होने वाला है, जहाँ पे हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट, फिर जैसे वो ग्रामर हो, एप्रिसिएशन लर्निंग हो, राइटिंग स्किल्स हो या फिर टेक्स्ट बुक रीडिंग हो। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा रोड मैप दूंगा जिसको अगर आपने एकदम अच्छे से फॉलो कर लिया ना, ट्रस्ट मी गाइस, आप अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में इंग्लिश के सब्जेक्ट में 85+ 90+ इजीली स्कोर कर लोगे। एंड देखो यार, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका टारगेट है उसे क्लास 10th के अंदर 90% के ऊपर स्कोर करना है, सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन पे सेलेक्ट कर देना, बिकॉज इस टाइप के अमेजिंग वीडियोस आपकी हेल्प करेंगे क्लास 10th के अंदर अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सो कमिंग ऑन टू फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न। अब देखो, जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है या फिर कोई भी लैंग्वेजेस का सब्जेक्ट है, उसमें अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए आपके माइंड के अंदर पेपर पैटर्न क्लियर होना चाहिए कि यार इस तरह से पेपर आने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे इस चैप्टर में से, या फिर ये वाला सेक्शन है, कोई भी एक्सेलरेटेड सेक्शन है, इसके लिए इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एंड मेरे को इस तरह से प्रिपेयर करना है। अब देखो, इसका बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर एक पॉइंट। लेके आया यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, एंड वेरी सून एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है जहाँ पे हम लोग इन पेपर पैटर्न्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर्स में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड सबसे अच्छी रेफरेंस बुक कौन सी है इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए, हर एक चीज आने वाली है। सो मेक श्योर आप एक्टिव हो चैनल के साथ, बहुत मजा आने वाला है। सो सबसे पहला पॉइंट है, आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो आएगा टोटल 100 मार्क्स के लिए। देखो, इंग्लिश का सब्जेक्ट 100 मार्क्स के लिए रहेगा, उसमें 80 मार्क्स के लिए रिटन पेपर आएगा एंड जो रिमेनिंग 20 मार्क्स है वो इंटरनल के मार्क्स होते हैं। अब ये जो 20 मार्क्स है इनमें आउट ऑफ कैसे स्कोर करना है वो जब जनवरी फरवरी आएगी उस टाइम में मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आउट ऑफ स्कोर करना है। ऑल्सो गाइज, इस वीडियो पे एम करते हैं पूरे 300 लाइक्स का, तो लाइक बटन दबा के मारो एंड इस वीडियो को शेयर करना है अपने हर क्लास 10th के फ्रेंड के साथ। बट फॉर नाउ गाइज, हम लोग बात करेंगे 80 मार्क्स की। ये जो रिटर्न मार्क्स हैं इनके लिए हमें आज से, यानी कि जुलाई चालू है अभी, जुलाई से लेकर जनवरी फरवरी तक हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है एंड मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर करना है 80 में से। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है, आपका जो इंग्लिश का पेपर है 80 मार्क्स के लिए आएगा, ये टोटल डिवाइडेड है 6 सेक्शंस के अंदर। 80 मार्क्स टोटल 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है, यहाँ पे एक फोटो आ गया होगा। सबसे पहला सेक्शन है लैंग्वेज स्टडीज का, उसके बाद में आपके टेक्स्टुअल पैसेजेस, देन पोएट्री, देन आएगा टेक्स्ट बुक के बाहर के यानी कि अनसीन पैसेजेस, एंड जो लास्ट के दो सेक्शंस हैं ये रहेंगे राइटिंग स्किल्स के। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रामर के लिए। बट उससे पहले गाइस, मैं आप सभी लोगों को एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ। मैंने खुद ने इंग्लिश के अंदर 86 मार्क्स स्कोर किए थे 100 में से, एंड मैं चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट मुझे स्क्रीन के इस साइड से देख रहा है, यस मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग मेरे से ज्यादा यानी कि इंग्लिश के अंदर 86 से ज्यादा स्कोर कर रहे हो अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। एंड अगर आप मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, अब भी कभी कमेंट करो चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं समझ जाऊंगा कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है एंड मेरे से ज्यादा, उनके भैया से ज्यादा स्कोर करने वाला है अपने क्लास 10th के इंग्लिश के पेपर के अंदर। अब देखो यार, एकदम सिंपल सा पॉइंट है, आप लोगों के पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है लैंग्वेजेस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। सो सबसे पहला पॉइंट रहेगा, आप लोग आज से एक हैबिट बना रहे हो ऑफ टेक्स्ट बुक रीडिंग। यस गाइस, टेक्स्ट बुक रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो, यही सेम पॉइंट मैंने मराठी के लिए बोला था, मराठी के लिए ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है सेम टू सेम इसी टाइप की, यहाँ पे लिंक आ गया होगा, आपको जाके चेकआउट करना है ये वीडियो खत्म होने के बाद में। सो आप सभी लोगों को एक हैबिट बनाना है कि यस मैं डेली मिनिमम टू मिनिमम 15 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स के लिए रीडिंग कर रहा हूँ। अब देखो, रीडिंग करने के ना एंडलेस अमाउंट ऑफ फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलोगे भैया एग्जाम्पल बताओ, सबसे पहले तो जो आपके पैसेजेस हैं उसके अंदर आपको आंसर्स बहुत जल्द मिलेंगे। अब देखो, फालतू चीजें मत रीड करते बैठो, फालतू इन द सेंस कोई नॉवेल्स वगैरह ये सब वो अलग चीज है, बट मैं अभी एग्जाम के लिए बात कर रहा हूँ। सो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, आपको टेक्स्ट बुक को डेली रीड करना है फॉर 20 to 30 मिनट्स। एग्जाम के वर्णवी से बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक को डेली रीड करो। आप जैसे ही पैसेज देखोगे एग्जाम के अंदर, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कौन से चैप्टर में से है एंड आप तुरंत आंसर लिख दोगे। उसके बाद में गाइस, अगर आप टेक्स्ट बुक रीडिंग डेली करते हो, आपका जो वोकैबुलरी है वो काफी अच्छा इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि पोएम्स वगैरह के अंदर या फिर बहुत बार एग्जाम के अंदर 2 से 3 मार्क्स के लिए वोकैबुलरी पे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर लोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो अपना राइटिंग स्किल्स है, अब देखो राइटिंग स्किल्स को ना टोटल 30 मार्क्स का वेटेज है, टोटल 80 मार्क्स में से 30 मार्क्स
के लिए सिर्फ और सिर्फ राइटिंग स्किल्स को वेटेज है। एंड अगर आप सभी लोग टेक्स्ट बुक रीडिंग एकदम अच्छे से करते हो तो आप राइटिंग स्किल्स के लिए जो आपके सेंटेंस फॉर्मेशन है उसे एकदम अच्छे से फॉर्म कर पाओगे। आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, जो आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो एकदम कम हो जाएंगे एंड जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, जो भी ये वाले पॉइंट को फॉलो करेगा ना वो अपनी क्लास 10th के अंदर लैंग्वेजेस के अंदर, स्पेशली लैंग्वेजेस के अंदर अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स इजीली स्कोर कर लेगा बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। आफ्टर दैट गाइस, एक बार देखो टेक्स्ट बुक रीडिंग आप डेली कर रहे हो वो तो अलग चीज है, वो आपको डेली करना ही है। उसके बाद में ग्रामर, अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे भैया इंग्लिश का जो ग्रामर है ना वो बहुत ज्यादा है एंड बहुत ज्यादा टफ लगता है, तो हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है। मैं आपको एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट देता हूँ ग्रामर के लिए। सबसे पहली चीज है आपकी जो बेसिक नॉलेज है, आपका जो बेसिक नॉलेज है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। टेंसेस क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं, नाउन, क्लॉजेस वगैरह जो भी चीजें हैं ये सारी आपकी एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे बट भैया हमारा क्लियर नहीं है, थोड़ा बहुत डाउट है, वो कैसे प्रिपेयर करना है। यूट्यूब पे जाओ, एक से एक बढ़ के लेक्चर्स हैं, आपको जाके चेकआउट करना है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ने पढ़ाई कर रखा है। आफ्टर दैट गाइस, आपको प्रैक्टिस करना है जितना ज्यादा हो सके, आपको ग्रामर का प्रैक्टिस करना है एंड कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना है। अब आप बोलोगे भैया ग्रामर का कैसे प्रैक्टिस करना है, कौन से रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करना है। अब देखो रेफरेंस बुक के लिए अलग से एक वीडियो डेफिनेटली आने वाली है, बट मैं आपको अभी बोलूंगा आपके स्कूल के अंदर इफ आपके टीचर्स वगैरह कोई नोट्स वगैरह देते होंगे वहां पे प्रिपेयर कर लो, या फिर आपके आपके खुद के क्लासेस के अंदर या फिर आपके कोई फ्रेंड के क्लासेस के अंदर जो भी टेस्ट वगैरह होते होंगे वहां से आपके फ्रेंड से क्वेश्चन पेपर मंगाओ एंड जो ग्रामर की प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर दो। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप अच्छे से ग्रामर प्रैक्टिस करते हो आपके जो 10 मार्क है या फिर पूरे पेपर के अंदर ओवरऑल 10 से 15 मार्क्स के लिए ग्रामर आता है तो आप इजीली स्कोर कर लोगे हाथ के मार्क्स ग्रामर के। तो आप सभी लोगों को इस तरह से प्रिपेयर करना है। आफ्टर दैट गाइस, पैसेजेस की अगर हम बात करें, पैसेजेस काफी सिंपल होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी सिंपल होते हैं पैसेजेस, बट आप सभी लोगों को एक चीज मेक श्योर करनी है, आप पूरे साल के अंदर जो भी आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स हैं, जो भी आपके चैप्टर्स वगैरह हैं, आप सारे चैप्टर्स को एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो एंड एट लीस्ट 2 बार तो आपने रीड किया है आपकी टेक्स्ट बुक को। ट्रस्ट मी गाइस, ये गलती मैंने की थी, मैंने टेक्स्ट बुक रीडिंग उतनी अच्छे से नहीं किया था एंड यस समवेयर मेरे को लगता है कि मेरे 2 से 3 मार्क्स उसके वजह से कट हुए हैं। तो आप सभी लोगों को टेक्स्ट बुक रीडिंग एकदम अच्छे से करना है। जो भी आपके चैप्टर्स के मीनिंग है, मतलब चैप्टर का जो सेंट्रल थीम है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए एंड स्पेशली जो वोकैबुलरी है चैप्टर्स के अंदर बहुत बार हाइलाइटेड वर्ड्स होते हैं, जो अपने बोल्ड वर्ड्स होते हैं ना उनके मीनिंग्स बाजू में दिए हुए रहते हैं, आपको उन्हें याद करना है। यस आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें। आफ्टर दैट गाइस, अगर हम पोएम्स की बात करें, जो आपका पोएट्री वाला सेक्शन है, अब देखो पोएम्स के लिए ना एप्रिसिएशन में आने वाले हैं, बट उससे पहले जो पोएम्स आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, आपको सारे पोएम्स के जो मीनिंग है, जो सेंट्रल थीम है वो सारा आपको एकदम अच्छे से समझ लेना है। मतलब एकदम खुद के वर्ड्स के अंदर आपको क्लियर होना चाहिए कि यार ये वाली जो पोएम है, ये वाली जो एक्स वाई ज़ेड पोएम है, इसका सेंट्रल थीम ये है, जो अपना पोएट है ये वाला मैसेज देना चाहता है ये पोएम के थ्रू। तो अगर देखो ये चीज आप क्लियर रखते हो तो आप एग्जाम्स के अंदर आंसर्स इजिली लिख के आ जाओगे, बहुत इजिली लिख के आ जाओगे। कमिंग ऑन टू एप्रिसिएशन, अब बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे भैया एप्रिसिएशन से डर लग रहा है, मतलब ऐसे समझ भी नहीं आ रहा कि एप्रिसिएशन कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से याद करना है। तो देखो मैं आपको एक सिंपल सा टेक्निक बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, आपको जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है एंड वहां पे मैं बहुत सारे नोट्स पीडीएफ शेयर करते रहता हूँ, तो वहां पे एप्रिसिएशन के लिए पीडीएफ आ जाएगा। सो मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर रहे हो एंड उसी के नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा, इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे अपडेट्स देते रहता हूँ, सो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो। आफ्टर दैट गाइज, राइटिंग स्किल्स, अब देखो राइटिंग स्किल्स पे आने से पहले हमने ग्रामर की बात कर ली, टेक्स्ट बुक रीडिंग की बात कर ली, पैसेजेस पोएम्स हर एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं राइटिंग स्किल्स। अब देखो जो राइटिंग स्किल्स है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपसे एक टारगेट देता हूँ, आपको पर वीक, मतलब हर वीक के अंदर राइटिंग स्किल का एक टॉपिक उठाओ एंड आपको उसे प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जांपल ये वीक के अंदर आप लेटर राइटिंग उठाते हो, आपको लेटर राइटिंग को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीक के अंदर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, उसके नेक्स्ट वीक के अंदर स्पीच राइटिंग। इस तरह से अगर आप वीक वाइज अच्छे से प्रिपेयर करते हो, अच्छे से राइटिंग स्किल्स को प्रिपेयर करते हो बोर्ड एग्जाम्स आने तक, आपका प्रिपरेशन अच्छा खासा हो जाएगा। देन गाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना है, फॉर राइटिंग स्किल्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है एंड ये चीज नोटिस करनी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड एकदम सिंपल सी बात है, लास्ट 4 ईयर्स के, ज्यादा नहीं, लास्ट 4 to 5 ईयर्स के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आप सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, ट्रस्ट मी आप राइटिंग स्किल्स के अंदर आग लगा के आने वाले हो, फोड़ के आने वाले हो। बिकॉज गाइस मैंने खुद ने ये चीज की थी एंड यस मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, मेरे खुद के स्कूल की स्टोरी है ये। तो फिर मेरे को है ना स्पीच राइटिंग के अंदर या फिर रिपोर्ट राइटिंग के अंदर मेरे को याद नहीं आ रहा है, मेरे को 5 में से 4.5 मार्क्स मिले थे। अब देखो मेरे को 5 में से 4.5 मार्क्स मिले, देन
मैं टीचर के पास गया कि मैम मतलब मेरे को कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो दिख नहीं रही है, आपने कोई मिस्टेक की नहीं, तो मेरा हाफ मार्क कहाँ पे कट हुआ? तो मैम बोलती है कि बेटा तुमने बहुत अच्छे से लिखा है बट मैं लैंग्वेजेस के अंदर राइटिंग स्किल में आपको आउट ऑफ मार्क्स नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मैंने हाफ मार्क्स को कट कर लिया है। समझ रहे हो आप सभी लोग? तो देखो इस लेवल पे अगर आप प्रिपेयर करते हो आप इजिली 5 में से 4 3 एंड हाफ मतलब मैक्स टू मैक्स आप 4 मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे। सो मेक श्योर आप इस तरह से सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हो एंड अपने क्लास 10th के अंदर इंग्लिश के सब्जेक्ट में जी जान लगा के प्रिपरेशन करते हो एंड नेक्स्ट वीडियो मैथ्स के सब्जेक्ट पे होने वाला है। सो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन पे सिलेक्ट कर देना, आपके स्क्रीन के ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आ गया होगा, मेक श्योर आप उसे फॉलो कर रहे हो एंड यस गाइस बाय बाय।